मम्मी जी, आप यहाँ अंधेरे में क्या कर रही थी? जब आई थी तब उजाला था, कब दिन ढला और अंधेरा हो गया पता ही नहीं चला। शायद थकान में आपको नींद आ गई होगी। हाँ, ठीक कहती हो तुम, नींद ही तो आ गई थी मुझे, कुछ ज्यादा ही गहरी नींद आ गई थी मुझे। आप जाग गई हो। मम्मी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें मेरी तबीयत का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तैयार है ना? कल हमें कहीं चलना है। लेकिन कहाँ? वो मैं तुम्हें कल ही बताऊंगी। तैयार है? क्या हुआ मॉम? सद को मिस कर रही हूँ। हाँ बेटा। I miss him too, मॉम। सिट के जाने से घर की सारी रौनक चली गई। वो तो अक्षय है जो बीच बीच में आ जाता है, वही है जैसे हमारी चिंता लगी रहती है। एक बात बताओ, ये अक्षय तुम्हें कैसा लगता है? आई मीन, तुम्हें कैसा लगता है? इज ही ओके? मोर देन ओके। आई मीन, पर आप मम्मी सब क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही, मेरा मतलब है वो शादी के लिए कैसा रहेगा, तुम्हें उसमें ऐसी क्या खूबी नजर आती है कि मैं उसे अपने दामाद के रूप में चुन लूं? मॉम, ही इज अ परफेक्ट मेल। आई मीन, उसमें वो सारी खूबियां हैं। ही इज स्मार्ट, डैशिंग, अच्छे बैकग्राउंड से है, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस वो मिल जाए तो हमें और क्या चाहिए। अब तुमने उसकी इतनी तारीफ कर दी है तो मुझे लगता है कि हमें उसके घर वालों से बात कर लेनी चाहिए। तो मॉम, आप उसके घर वालों से कब बात करने जा रही हैं? शुभ काम में देरी कैसी बेटा, अभी बात कर लेते हैं। हेलो दमयंती जी, वंदना जी, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बेटी वालों को अच्छे दामाद की जरूरत रहती है, बेटे वालों को भी अच्छी बहू की तलाश रहती है, और आपकी बेटी से ज्यादा अच्छी बहू मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। मुझे यह रिश्ता मंजूर है वंदना जी। जी नमस्ते।